बादलों का एक वजीर आंदा है भी जो डीजीपी सैनी नू डीजीपी लाउणा साडी गलती सी, असी भाजपा के कहण ते सब कुछ किया। जे तुसी बेअदबियां दी जो इंसाफ है वो दे दिंदे हो तां कौम समझ लवेगी भी तुसी कौम के हक विच जो हाँ का नारा मारिया तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थोड़ी जिहड़ी जड़ है रख लैणगे। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल अते डीजीपी सैनी सारिआं नूं जो इंटैरोगेट कर लिया, पुछगिछ कर लिया, तो फिर जो कोटकपूरे वाला केस है उस विच चलान पेश करन नूं देरी क्यों हो रही है? जिवें एक अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, भी इहो जिहा फिर बेआ इंसाफ देन दा फायदा ही की? फिर जे आम आदमी पार्टी के मंत्री की गिरफ्तारी पै सकती है, कांग्रेस के मंत्रियों की गिरफ्तारी पै सकती है, तो फिर जिहड़ी पुलिस है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन सैक्शन 41 के अधीन 302-307 विच उन्हां कोले पूरे हक ने, कोई रोक टोक नहीं। इन्हां नूं आम आदमी पार्टी वालियां नूं इह चीज़ याद रखनी चाहीदी है भी जो इन्हां नूं तख्तां ते बिठाया ए इन्हां पग्गां वालियां ने बिठाया, गैर सिखां ने यूपी बिहार के भइयां ने इत्थे आके जां चर्च वालियां ने तुहानूं वोटां नहीं पाउणियां। बाबर गुरु नानक देव महाराज जी नूं मिलन आया तां बाबर ने आपदे दोनों हाथ बन के बेनती की भी गुरु साहब मैनूं हिंदुस्तान की बादशाही बख्शो, तां गुरु साहब ने फरमाया, तां गुरु नानक देव महाराज फरमाउंदे भी बाबर असी तेरे तो जिहड़ी ये बादशाही है एवें वापस नहीं लैणी, असी सिर दे के सिर कटा के तेरे तो ये बादशाही वापस लवांगे। अनेक सिंघां दीआं शहीदियां होईआं ते उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो तुरकां दी मुगलां दी जो जड़ सी ओह हिंदुस्तान विचों पुट दित्ती। अज जिहड़े अखौती अकाली ने बादल दलीए ने, मैं समझदा भी इन्हां नूं जो सुध बुध है वह भुल चुकी है। किते तां गंगा की रिहाई मंगी जांदे ने, किते गुरु घर दे विच चिट्टे बूटां ते काले रंग की पॉलिश फेरी जांदे ने। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच इत्थे संगतां विच बैठ के मैनू एक इतिहासक किस्सा याद आया। भाई अकाली निहंग भाई रतन सिंह जी भंगू इस इतिहासक किस्से बारे 1810-20 दे लागे लिखते ने। भाई साहब जी फरमाते ने भी जदों बाबर गुरु नानक देव महाराज जी नू मिलन आया तां बाबर ने आपदे दोनों हाथ बन के बेनती की भी गुरु साहब मैनू हिंदुस्तान की बादशाही बख्शो, तो गुरु साहब ने फरमाया भी असी तैनू हिंदुस्तान की बादशाही बख्श दिने आ, पर बाबर एक गल याद रखी भी ये बादशाही तेरे कोल उदों तक रहेगी जदों तक तेरा राज हलीमी होवेगा, जदों तक तू साडे ते कोई तशद्दुद नहीं करदा। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। उस तो बाद तुसी सारे जानते ही हो भी गुरु अर्जन देव महाराज जी जी की शहीदी हुई, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी हुई, साहबजादियां दी शहीदियां हुई, अनेक सिंघां दी शहीदियां हुई, उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो तुरकां दी मुगलां दी जो जड़ सी वह हिंदुस्तान विचों पुट दित्ती। इत्थे गुरु नानक देव महाराज जी दी जो उन्होंने वचन कीते सी उन उस ते पहरा दिंदे होए जो सिख कौम ने पंथ ने जिहड़ा आ बादल दल है जिसनू
पंजाब दा जो तख्त बख्शिया सी इत्थे बहबल कलां विखे दो सिंघां ने शहीदी दित्ती ते ओ जो तख्ती तो उन्हां नूं लाया। अज जिहड़े अखौती अकाली ने बादल दलिए ने मैं समझदा भी इन्हां नूं जो सुध बुध है ओ भुल चुकी है, कमले हो चुके ने, राज लैण लई तड़फदे ने, मैं कहूंगा बावले हो चुके ने, किते तां गंगा दी रिहाई मंगी जांदे ने, किते गुरु घर दे विच चिट्टे बूटां ते काले रंग दी पॉलिश फेरी जांदे ने, राज लई सब कुछ करी जांदे ने, पर अज कोई इन्हां दा सहाई नहीं हो रहा, कितों कोई सहारा नहीं मिल रहा। अज मैं एक सोशल मीडिया ते एक इंटरव्यू देख रहा सा भी जिथे बादलां दा एक वजीर आंदा है भी जो डीजीपी सैनी नूं डीजीपी लाउणा साडी गलती सी, असी भाजपा दे कहण ते सब कुछ कीता, पर ए उन्हां नूं ए सोझी उन्हां नूं उदों नहीं आई भी जदों ए राज विच सी, हकूमत विच सी, ते अज इन्हां दा कोई सहारा नहीं बन रहा। ते इत्थे मैं आम आदमी पार्टी वालियां नूं भी आना है भी जे तुसी अज जे इन्हां सिंघां दा इंसाफ कौम नूं दे दिंदे हो, जे तुसी 295 आईपीसी नूं सोध के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बेअदबी दा जिहड़ा सजा उस नूं फांसी कर दिंदे हो, जे तुसी बेअदबियां दी जो इंसाफ है वह दे दिंदे हो तां कौम समझ लवेगी भी तुसी कौम दे हक विच जो हां दा नारा मारिया ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थोड़ी जड़ी जड़ है रख लैणगे मलेर कोटलिया वांगू, नहीं तो थोड़ा जिहड़ा है खुरा खोज है पंजाब विचों मिट जाना। ते इत्थे होर गल मैं कहना चाहना भी जे आप केस का जो स्टेटस देखिए तो फिलहाल जो एल के यादव वाली सिट है उसने जो प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल अते डीजीपी सैनी सारिया नूं जो इंटेरोगेट कर लिया पुछगिछ कर लिया, ते फिर जो कोटकपूरे वाला केस है उस विच चलान पेश करन नूं देरी क्यों हो रही है भी जिवें एक अंग्रेजी दी कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भी इहो जिहा फिर बेआ इंसाफ देन दा फायदा ही की। ते जो बहबल कलां वाली नौ निहाल सिंह वाली सिट है उसने जो सुखबीर सिंह बादल दी पुछगिछ कर रही है कर ली है ते उस तो बाद हुण जिहड़े होर दोषी रह गए ने उन्हां दी पुछगिछ क्यों नहीं हो रही भी जो हिंदुस्तानी संविधान दा आर्टिकल 14 उस दे अधीन भी जो सारे जो हिंदुस्तान विच वसदे ने उह कानून दे अगे बराबर ने, ते फिर जे आम आदमी पार्टी दे मंत्री दी गिरफ्तारी पै सकदी है कांग्रेस दे मंत्रियां दी गिरफ्तारी पै सकदी है तां फिर जिहड़ी पुलिस है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे अधीन सैक्शन 41 दे अधीन 302-307 विच उन्हां कोले पूरे हक ने, कोई रोक टोक नहीं किसी बंदे नूं गिरफ्तार कर लिया। इन्हां जो बादलां दी गिरफ्तारी क्यों नहीं पै रही, ते मैं इत्थे आम आदमी पार्टी दे लीडरां नूं एक होर नसीहत देना चाहुंदा हां भी एक दो तरीका हो चुकिया ने भी कोई भी उच्च अहुदे वाला भी कोई मंत्री पद वाला कोई इन्हां दा कोई नुमाइंदा इत्थे आ नहीं रहा, जे इन्हां दे स्पीकर विदेश यात्रा ते गए ने तां इन्हां दा फर्ज बनदा भी होर किसे आदे मंत्री नूं इत्थे भेजण ते जो कि इत्थे संगतां विच शमूलियत करन, ते इन्हां नूं आम आदमी पार्टी वालियां नूं इह चीज़ याद रखनी चाहीदी है भी जो इन्हां नूं तख्तां ते बिठाया इन्हां पग्गां वालियां ने बिठाया गैर सिखां ने यूपी बिहार दे भईयां ने इत्थे आके जां चर्च वालियां ने तुहानूं वोटां नहीं पाउणियां इह सिखां दियां पाईयां वोटां ने तां हलीमी विच विचर के इत्थे शमूलियत करन, इहो मेरियां संगतां दे अग्गे बेनतियां ने। इहो आंदा होया मैं तुहाडे सारिआं तों इजाजत चाहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।